परमहंस सर्वज्ञाचार्य श्रीभक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 2। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमुदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमुदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययं शब्दार्थ। राज विद्या विद्याओं का राजा, राजगुह्यम गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धतम, इदम यह, उत्तमम दिव्य, प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम समझा गया, इदम यह, उत्तमम दिव्य, प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम समझा गया, धर्म्यम धर्म, सुसुखम अत्यंत सुखी, कर्तुम संपन्न करने में, अव्ययम अविनाशी। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य, भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, सांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्यज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जानना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें वाय शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेणा। यही ज्ञान का गूढ़ अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार अविनाशी नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है वो शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्ध रूप है, शुद्धतम रूप है। जैसा कि वैदिक साहित्य में बतलाया गया, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार होता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल फल आने लगते हैं और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अपरारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणे प्रलियेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रहते हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्र उत्तमम विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यप कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। कहा जाता है कि भक्त की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में 3:2:26 भी इसका वर्णन हुआ है। इसका वर्णन प्रकाशस्य कर्मण्य भाषात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे, न ही राजकुल में पैदा हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी तो नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपानुमोदितो दुजे सकृत्म भुंजे तदपास्त किलबिषम एवं प्रवत्तस्य स्विशुद्ध चेतस इस्तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में 1:5:25 नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियां धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था, अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी कि जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट को उन भक्तों की जूठन को भोजन को खाता था। फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्छिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूँकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वादन श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा श्रवणम मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदम विष्णुवतः प्रियश्रमसंग ममा भवदरुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाशस्य कर्मण्य भाषा, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है, वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है। धर्म्यम शब्द का अर्थ धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षदे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति ये नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में व्याख्या करते हुए कह चुके हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्ध पथ को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेदा, महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग अत्यंत सुसुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रमाणिक आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं कि यद्यपि कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहाँ भी वह भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार होना नहीं चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर होता है, ब्रह्मभूत, तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को नहीं पाता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्याय 9 का दूसरा श्लोक। राजविद्या राजगुह्यम पवित्र मदमुत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम करतुभ्यमभयम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। वास्तविकता में इस श्लोक में भक्ति का वर्णन हो रहा है, भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। इस अध्याय के विषय में यह श्लोक है कि यह ज्ञान, भगवान इससे पहले भी दिव्य ज्ञान, भगवत प्राप्ति, भगवत ज्ञान, विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम लोगों को ज्ञान दे चुके हैं। अभी इस अध्याय के दूसरे श्लोक की शुरुआत करने से पहले भगवान बोल रहे हैं कि यह ज्ञान जो मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ, परम गुह्य ज्ञान जो भगवत गीता का 9वां अध्याय है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जितनी भी विद्याएं हैं उन सारी विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जितने भी रहस्य हैं उन सब में इससे ज़्यादा गहरा कोई रहस्य नहीं है। यह परम शुद्ध है और यह अत्यंत शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान का भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सुखपूर्वक संपन्न होता है, बशर्ते व्यक्ति ये जान ले कि भक्ति है क्या, उसको करना क्या है। तो भगवत गीता के स्थान में श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं कि वास्तव में नारद जी का उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान के महान भक्त नारद जी ने व्यास देव को अपने पूर्व जन्म के विषय में बताया था कि वो पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और उनको कोई पाठशाला जाने का सौभाग्य नहीं मिला, न वो कोई बहुत उच्च जाति में जन्म हुआ था, न ऐसा था कि वो बहुत विद्वान थे या उन्होंने बहुत वेदों का पाठ किया। केवल उन्होंने सरलता पूर्वक सहज भाव से संतों का, महात्माओं का सेवा किया था। ये वास्तव में भक्ति का सबसे गहरा ज्ञान है, लेकिन हृदय की शुद्धता के अभाव में व्यक्ति इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाता। वो केवल भगवान के पीछे भागता रहता है और भगवान उसे कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि भगवान जानते हैं ये कपटी है, ये भगवान भगवान इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझसे इसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। और भगवान को जो सबसे प्रिय हैं, भगवान के भक्त, उनकी ये निंदा करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनसे द्वेष करता है। तो भगवान समझते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति वास्तविक भक्त नहीं है, लेकिन जो भगवान से प्रेम करता है वो वास्तव में भगवान की प्रिय भक्तों से भी उतना ही प्रेम करता है जितना भगवान से प्रेम करता है। बल्कि कई बार ऐसा देखा गया कि भगवान का वास्तविक भक्त भक्तों की सेवा करते हुए भगवान की भी उपेक्षा कर देता है और भगवान को ये भाव बहुत भाता है। तो हम इसमें इस गहरे ज्ञान के अंदर एक बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं नारद जी का, क्योंकि ये वास्तव में भक्ति की शिक्षा है। इसमें इस अध्याय में पूरा भक्ति का ज्ञान है, भक्ति ही सिखाई गई, कोई ज्ञान नहीं है, कोई कर्म नहीं है, विशेष रूप से विशुद्ध भक्ति की शिक्षा है। तो नारद मुनि का उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, लेकिन उनको भक्तों का सेवा करने का सौभाग्य मिला क्योंकि उनकी मां करते थे और विशुद्ध भाव से करते। क्या हुआ, अवशेष यानी उनकी जूठन जो बचती थी, नारद मुनि उसको पाने के लिए उन महात्माओं से परमिशन मांगते हैं कि आप मुझे अनुमति दो, मैं इन पत्तलों में जो जूठा बचा है। ऐसा थोड़ी होता था कि बचता नहीं था खाना इसलिए वो पत्तल में जाके खाते थे। वास्तविक ये उनके हृदय का सम्मान था, उन भक्तों के प्रति उनका समर्पण था, महात्माओं के प्रति उनका रिस्पेक्ट था, और इस कारण वो उनसे अनुमति लेकर, उनसे पूछ करके कि क्या आपका अगर आदेश हो, क्योंकि भगवान के भक्तों का भोजन, जूठा भोजन कभी उनकी मर्जी के, उनके आदेश के बिना नहीं लेना चाहिए। तो वो उन्होंने उनसे परमिशन मांगा कि अगर आपकी कृपा हो, अगर आप मुझ पर दया करें तो क्या मैं आपका जूठन खा सकता हूं। तो जब उन संत महात्माओं ने देखा वास्तव में उनके प्रेम को, उनकी दैन्यता को, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले सकते हो। तो नारद मुनि क्या करते थे, उन संत महात्माओं का सेवा करते थे और सेवा करने के बाद उनका जो जूठन था उसको खाते थे। तो ये बहुत उच्च भाव है, ये हम लोगों के हृदय में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो सांसारी ईर्ष्या से भरे हुए हैं। ईर्ष्या के कारण विशुद्ध सेवा हमारे बस का नहीं है, इसलिए वास्तविकता में हमारे लिए भक्ति बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सरल हृदय वालों के लिए भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन जो जटिल हैं, जो कठिन हैं, जो कपटी हैं, जो द्वेषी हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो छिद्रान्वेषण करने वाले हैं, छिद्रान्वेषण में रुचि लेने वाले हैं, ऐसे लोगों के जीवन में भक्ति का प्रवेश बहुत मुश्किल है। वो भक्ति के बाह्य स्वरूप में लगे रहेंगे, लेकिन वास्तविक भक्ति को स्वीकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए नारद मुनि का उदाहरण देकर के प्रभुपाद बताते हैं कि उन्होंने ये सेवा करने मात्र से, केवल उन संत महात्माओं का सेवा करके, उन्होंने कोई वेद नहीं बहुत पढ़े थे, उन्होंने कोई गीता के श्लोक कंठस्थ नहीं किए थे, ना भागवत के श्लोक कंठस्थ किए थे, ना वेदों को बहुत समझा था, केवल विशुद्ध होकर के भक्तों के संग में उनका सेवा करते थे और उनसे भगवान की कथाएं सुनते थे। और भगवान के पवित्र नाम का जब सब भक्त कीर्तन करते थे तो उनके साथ में भगवान का कीर्तन करते थे, और ऐसा करने मात्र से, उस विशुद्ध सेवा से उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका जब ये शरीर छूटा तो उनको अगला जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। आप सोचो इससे बड़ा क्या जन्म हो सकता है। इस ब्रह्मांड का मालिक अगर इस संसार में किसी व्यक्ति को एक बड़े जमींदार के यहाँ जन्म मिलता है तो बड़ा भाग्यशाली समझता है कि मैं इतना बड़े जमींदार का पुत्र हूँ, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और मुझे इनका पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इतनी संपत्ति का मालिक हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं देव ऋषि नारद जी को कि उन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भक्ति के कारण इतना उच्च कोटि का ज्ञान उनके पास था कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र के साथ साथ उनको ब्रह्मा जी जैसा गुरु भी प्राप्त हुआ। ये उनकी विशुद्ध भक्ति का परिणाम है। हम देख सकते हैं गुरु परंपरा में भगवान के बाद ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के बाद नारद जी का स्थान आता है। तो कितना ऊंचा स्थान है इसको हम अपनी विवेक बुद्धि से देख सकते हैं। और इतना ऊंचा स्थान यानी ब्रह्मा के पुत्र और ब्रह्मा को गुरु स्वरूप प्राप्त करने का क्या कर्म था? केवल संत महात्माओं की विशुद्ध भाव से सेवा। उन्होंने केवल उनका जूठन खाया था, केवल विनम्र भाव से उनकी सेवा करते हुए द्वेष रहित होकर के उन्होंने भजन किया था। हम जैसे लोग अगर संत महात्माओं के साथ, हमको माता जी के साथ रहने को मिलता तो हम लोग क्या करते, उनमें ही दोष निकालते। ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे कपड़े पहने, ये कैसे खा रहे हैं, ये कैसे घूम रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या है, इनका क्या जीवन है। बल्कि उन्होंने केवल वास्तविकता पूर्वक द्वेष रहित होकर के, क्योंकि ये द्वेष के कारण होता है, ईर्ष्या के कारण होता है। और द्वेषी व्यक्ति कभी किसी की जूठन नहीं खा सकता। वो ये नहीं करेगा कि नहीं, वो कहेगा अच्छा हमारे लिए अलग से थाली लाओ, कुछ बढ़िया सा प्रसाद, जो तुम खा रहे हो हमको खिलाओ। तो ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति दासत्व भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, वो विनम्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो नारद मुनि के उदाहरण से हमको पता चलता है कि उन्होंने जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र होने पर उन्होंने जो संत महात्माओं का जो सेवा किया था, केवल उसी भक्ति का परिणाम, उसी सेवा का परिणाम उनको ब्रह्मा के समान उनको पिता प्राप्त हुआ और ब्रह्मा के समान उनको गुरु प्राप्त हुए। और हम देख सकते हैं कि वो नारद मुनि सर्वत्र विचरण करते हैं। वैकुंठ में जा सकते हैं वो बिना किसी परमिशन के, भगवान के इतने प्यारे भक्त हैं। जैसे कभी कभी कोई आपका प्रिय होता है, वो बिना परमिशन के आपके घर में घुसा चला जाता है, आपके बेडरूम तक चला जाता है, क्योंकि उसके प्रेम ने, आपने उसके प्रेम के कारण आपने उसको ये अधिकार दिया हुआ है। इसी प्रकार से भगवान के प्रति जो नारद मुनि का प्रेम है, तो भगवान जी ने उनको ये आदेश दिया है, इनको ये परमिशन दी है कि वो कभी भी वैकुंठ में जा सकते हैं, कभी भी स्वर्ग जा सकते हैं, नर्क जा सकते हैं। और नारद जी सर्वत्र ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण करने के लिए, भगवत नाम का प्रचार करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए, भगवान की भक्ति की शिक्षा देने के लिए वो सर्वत्र प्रचार करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि उनके महान शिष्य, उनके प्रीच किए हुए, नारद जी ने ही प्रीच किया था प्रहलाद जी को, नारद जी ने ही प्रीच किया था ध्रुव महाराज को। ढेरों भक्त हैं जिनको नारद मुनि ने प्रीच किया और उनको भगवान की सेवा में लगा दिया, भौतिकता से उनको छुड़ा दिया। इतनी शक्ति, आध्यात्मिक चेतना, इतनी कृपा उनको केवल इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने संत महात्माओं का सेवा किया था। उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया था कि नहीं मैं और मेरा भगवान, बस कोई बीच में नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, मैं और केवल मैं पवित्र हूं और मेरे भगवान पवित्र हैं, बस ऐसा भाव उनका नहीं था। उन्होंने अपने आप को संसार का सबसे पतित व्यक्ति माना और इस विनम्रता के कारण भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको इतना ऊंचा स्थान दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति सुसुखम, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोई नारद मुनि ने सर्दियों के दिनों में हिमालय पर जाकर के एक पैर पे खड़े होकर के और बड़ी कठोर तपस्या नहीं की थी। आप इसके विपरीत देख सकते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने कितनी कठोर तपस्या करी, रावण ने कितनी कठोर तपस्या करी, अपने शीश काट काट के चढ़ाए। हिरण्यकश्यपु ने देख सकते हैं कि कितनी तपस्या करी कि उसने पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया, उसके पूरे शरीर को दीमक चाट गई और इतनी तपस्या करने के बावजूद भी उसको क्या प्राप्त हुआ। और इसके विपरीत केवल भगवत भक्तों की विनम्रता पूर्वक सेवा करने से, संत महात्माओं का केवल जूठन खाने से, भगवान के कीर्तन का जप करने से, कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं, सुखपूर्वक, सुसुखम। तो भक्ति जो है वो सुसुखम है, सुखपूर्वक की जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जिसका मन गंदा है उसके लिए तो हर बात मुश्किल है। उसके लिए तो हर चीज मुश्किल है, उसको तो हर बात में कमी दिखेगी, उसको तो हर चीज ही खराब लगेगी। तो वास्तव में सरल व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है और भक्ति को करके अपने समस्त प्रकार के पूर्व कर्मों को, पापों को नष्ट कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमको एक और उदाहरण देकर बताते हैं पद्म पुराण से, कि जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि जो पाप हैं वो बीज के समान है। जैसे आप किसी फल या फूल के बीज को लेते हो और उसको बोते हो, तो जब उसको बोया जाता है फिर उसमें से कुछ अंकुर निकलते हैं। अंकुर के बाद फिर वो धीरे धीरे विकसित होता है, पौधा बनता है, पौधा से वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल या फूल आते हैं, फिर उस जिसने बोया था वो उसका लाभ या हानि ले सकता है, उस फल से लाभ ले सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो कर्म करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का, भगवत गीता में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान दिया गया है उसमें इसका विशद वर्णन है कि वास्तव में हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं पुण्यमय या पापमय, वो बीज समान है और वो क्रमशः फलीभूत होते हैं। कुछ पाप हमारे बीज रूप में पड़े हुए हैं, कुछ पाप हमारे अंकुरित हो गए हैं, कुछ पाप हमारे तो छोटा सा पौधा बन गया है, कुछ पापों का पूरा वृक्ष तैयार है, कुछ पापों के फल आ गए हैं सुख या दुख के रूप में, जिनको हम वर्तमान समय में भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक पाप या पुण्य रूपी बीज अपने समय आने पर अपना परिणाम देते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की वास्तविक भक्ति करता है तो भक्ति की शक्ति के कारण उसके समस्त प्रकार के पापों के बीज, चाहे वो बीज रूप में हो चाहे अंकुरित हो, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि अगर उसका फलीभूत हो गया है तो फलीभूत होने पर भी अगर भक्त को भाला चुभना है तो भगवान केवल सुई चुभो करके उसको उस फल से भी निकाल देते हैं। तो ये भक्ति की महिमा है। इसलिए हमको भगवान का भक्ति स्वीकार करना चाहिए, लेकिन भगवान का भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान किसी को भक्ति नहीं देते हैं, भगवान भक्त देते हैं और भक्त भक्ति देता है। इसलिए हमको भगवान से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने अगर हमको अपने भक्तों से मिला दिया है, संत महात्माओं से मिला दिया है, फिर हमें उनके आदेशों पर चिंतन मनन करते हुए गंभीरतापूर्वक अपने आचरण में बदलाव लाना चाहिए और भक्ति को सीखना चाहिए, क्योंकि भक्ति केवल हमें भक्त दे सकते हैं। भक्ति भगवान का धन नहीं है, भक्ति भक्तों का धन है, भक्त भगवान का धन है। भगवान का सबसे कीमती धन भक्त है और भक्त का सबसे कीमती धन भक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति चाहता है तो उसे भगवान की नहीं भक्तों की शरण ग्रहण करनी होगी। बड़ी स्पष्ट बात है, व्यक्ति को भगवान की नहीं भक्त की शरण ग्रहण करनी होगी, फिर निश्चित रूप से वो भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन कई बार हम प्रलोभन बस, ईर्ष्या बस, दोष दृष्टि बस मजबूर होकर के हम भगवान के भक्तों को वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो आदर, वो भावनाएं अर्पित नहीं कर पाते जो हम भगवान के प्रति रखते हैं। तो भगवान हमारे ऐसे भाव से बहुत खुश नहीं होते। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त वास्तविक भक्त बने और वो विशुद्ध भक्ति करता हुआ भगवान के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर दे। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग भगवान के विशुद्ध भक्त बनने के लिए श्रील प्रभुपाद जी का शरण ग्रहण करें, गुरु परंपरा के गुरुजनों की शरण ग्रहण करें। उन्होंने जो हमको आदेश दिए हैं या जो आदेश दे रहे हैं उनको हम स्वीकार करें और गंभीरतापूर्वक अपने चित्त को शुद्ध करें, जिससे कि हम भगवान की शरण ले सकें। क्योंकि बिना चित्त की शुद्धि किए बिना कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर सिद्धांत दिया है शिक्षाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति करना चाहता है उसको तिनके के समान विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए और अपने मान की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा होने पर व्यक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान का कीर्तन कर सकता है, भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकता है अपराध रहित होकर के। लेकिन अगर उसका ऐसा मनोदशा नहीं है तब वो अपराध सहित ही जप करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप बहुजन्म में करें श्रवण और कीर्तन, एक जन्म नहीं बहुत जन्म। क्या सोचते हैं हम लोग ये पहली बार भगवान का नाम ले रहे हैं? अरे जब ये कलयुग चल रहा है, जब चारों तरफ धर्म का अभाव है, तब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। इससे पहले सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग से तो अच्छी स्थिति रही। अरे कलयुग की ही बात करो, अभी चैतन्य महाप्रभु आए थे जिन्होंने पूरे भारत भर में भगवान के पवित्र नाम का गली गली प्रचार किया। कितना जबरदस्त प्रचार हुआ, उस समय कितना परिस्थिति थी, हम लोग तो उस समय भी रहे होंगे किसी न किसी रूप में। तो क्या सोचते हैं कि हम पहली बार भगवान का नाम ले रहे हैं? हम जन्म जन्मांतरों से ले रहे हैं। बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन, खूब कथाएं सुने जन्म जन्मांतरों में, जन्म जन्मांतरों से सुन रहे हैं कथाएं, जन्म जन्मांतरों से नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। बहु जन्मे करें श्रवण और कीर्तन तो न पाए कृष्ण प्रेम धन, फिर भी भगवान का जो प्रेम धन है वो हमें प्राप्त नहीं होता। कारण कि हम भगवान के प्रति अपराध करते हैं, जो नामा अपराध हैं उनके प्रति हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। उन नाम अपराधों पर हमको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमसे कोई अपराध न हो, हम अपराध रहित होकर के भगवान का नाम जप करें। और ये चाहने से नहीं होगा, ये जब मेरी मनोदशा तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, जब ये मनोदशा मेरी हो जाएगी तो स्वतः अपराध बंद हो जाएंगे और हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन बड़ी विनम्रता पूर्वक कर पाएंगे और बहुत आसानी से भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान का भक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत आसानी से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को बहुत कोई कठिन तपस्या नहीं करनी है, भक्ति सुसुखम है। भगवान बोलते हैं कि यह अविनाशी है और इस भक्ति का कभी नाश नहीं होता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए जैसा यह मायावादी सोचते हैं कि अभी तो भक्ति कर रहे हैं फिर हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के प्रकाश में लीन हो जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे, फिर भगवान हमारी सेवा करेंगे, आराम से लेटेंगे, सोएंगे या भगवान में मिल जाएंगे जाकर के। तो वास्तविकता यह है कि भगवान का भक्त निरंतर भगवान की भक्ति करता है और वास्तव में असली भक्ति की शुरुआत मुक्त होने के बाद ही होती है, क्योंकि बिना मुक्त हुए तो हम भगवान का साधन भक्ति करते हैं। लेकिन वास्तविक भक्ति की शुरुआत तभी होती है जब हम भौतिक कलमस से मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, तब वास्तव में हम वास्तविक भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं और उस भक्ति के प्रभाव से भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। और ये सुसुखम, बहुत मुश्किल नहीं, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से होता है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। लेकिन अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम विनम्र हों, हम सरल हों। सरल व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन इस संसार में, यह संसार की मानसिकता ने, यह जन्म जन्मांतरों से जो हमारा संसार के साथ संपर्क रहा है, इस भौतिक कलमस ने हमको बहुत जटिल बना दिया है। अब जितने जटिल हम बन गए हैं उतना ही सरल बनना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम भगवान के समक्ष रोएं, भगवान के समक्ष प्रार्थना करें, भक्तों के समक्ष रोएं, भक्तों के समक्ष प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर कृपा किया करो जिससे कि हम अपनी इस जटिलता से बाहर निकलें, वास्तव में हम सरल हो पाएं, वास्तव में हम समस्त अपने दोषों को दूर कर पाएं और भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाएं। तो ऐसा भाव रखते हुए जब हम भगवान तथा भक्तों से प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।